हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है गूगल क्रोम में इंस्टाग्राम पेज ओपन कर रहे हैं तो वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास पीसी में लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कीजिए। आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, आपको जो है यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है, सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑल बॉक्स में चेक करना है, फिर आपको यहाँ पर टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास गूगल क्रोम में से ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अबाउट गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास गूगल क्रोम अप टू डेट है या नहीं। अगर दोस्तों आपके पास गूगल क्रोम अप टू डेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कीजिए। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। फिर आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप जो है इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर वाईफाई को सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, आप इस पर क्लिक कीजिए। प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पर क्लोज कीजिए, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज करना है, फिर आप अपने PC को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली, अगर आपके पास गूगल क्रोम में इंस्टाग्राम पेज लोड नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।